अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका सवाल ये है कि किसी बीमा कंपनी में बतौर ड्राइवर या माली और चौकीदार की नौकरी करना कैसा है? ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई बंदा सवाल करे कि बैंक के अंदर गार्ड की नौकरी करना या वहाँ पे ड्राइवरी की नौकरी करना या चौकीदारी की न कोई भी माली की नौकरी करना, ये क्या है, इसका क्या हुक्म है? तो बीमा पॉलिसी भी, ये भी सूद की एक किस्म है, इसमें भी सूद की अमेजश होती है और बग़ैर किसी मेहनत और मशक्क़त के लोगों को पैसा दिया जाता है और लाइफ इंश्योरेंस होती है, बस अवकात गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है, बस अवकात मेडिकल इंश्योरेंस होती है। मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर उलमा ने बस अवकात इजाज़त दी है, जब जो है सरकारी हॉस्पिटल वाले बात नहीं सुनते तो बंदा प्राइवेट में जा कर अपनी इंश्योरेंस करवा सकता है, तो इसकी किसी हद तक इजाज़त है। वो क्यों? क्योंकि अज़रूरियात तुबीहुल महज़ूरात, जो ममनुआ चीज़ें हैं ज़रूरत के वक़्त वो भी हलाल हो जाती हैं, तो इस वजह से उस वक़्त ये जायज़ है। अब रही बात ये नौकरियां करना ड्राइवर की, माली की और चौकीदार की, ये सूद की कंपनियां हैं तो इनके अंदर नौकरी करना जिस तरह बैंक में हराम है, तो इनके अंदर नौकरी करना भी हराम है। क्योंकि नबी अली सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदई, कि अल्लाह ताला सूद खाने, सूद खिलाने और सूद लिखने और सूद पर गवाह बनने वाले पांच लोगों, दो जो गवाह बनते हैं पांच लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है कि अल्लाह ताला भी उसके ऊपर लानत करे। और नबी सल्लम ने फरमाया, रिबा सबऊन खूबन वैसा रुहा यन की हफराजुल उम्मा, सूद के जो हैं वो 70 दर्जे हैं गुनाह के, और उन 70 दर्जों में से सबसे जो हल्का तरीन दर्जा है वो है अपनी सगी माँ के साथ जिना करना। तो इस वजह से सूद के पैसे खाना या सूद की किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी करना, नबी सल्लम की दूसरी हदीस है, दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, जिस नौकरी के अंदर या जिस काम के करने में हलाल व हराम का शक हो या जायज़ नाजायज़ का शक हो, तो उस काम को छोड़ देना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जिसके अंदर किसी किस्म का शक व शुबा ना हो। तो इस कंपनी के अंदर जो है वो सूद की अमेजश है और उलमा ने इसको, इस कंपनी के काम करने वालों को और कंपनी में काम करने वालों को ये सारा फेल ही हराम है, तो इस वजह से इस हराम फेल से बचना चाहिए और वरा और तकवे का यही तकाजा है। बाकी वल्लाह आलम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।